सात सात नाम के कहे ही हाँ
से रोए। सत नानक कहया
सत 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 नानक सब कुछ जाने
सही है। अपनी वक वक बोली शब्दावली कई बार आखने तू ये जो गल कही सही है, इसका मतलब की सच है। कई बार आख देने जो तू आखिया सच है, मेथे पानी दे वक वक शब्द बल्कि
तीजा लफज सत है, उनका मतलब भी सच है। और सवाल पैदा होता है ताकि किसी नु शिकवा शंका ना रह जाए कि बाणी विच कोई झूठ भी हो सकता है। इसलिए एक बार नहीं किसी चीज का आपां ज्यादा विश्वास फैसला देना होवे, आम करके समाज अनुसार भी तीन बार उस दोहराने। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अनुसार भी तीन लफज जिहड़ा है, तीन क्रिया जिहड़ी जो शक्तिशाली है, तीन लोक ने। तीन लोक ही नहीं, वक् वक् तीन क्रिया ने जिसनू आपां आखने भूत भविख ते वर्तमान। जीवन दिया तीन अवस्था ने, बाल जवानी और बिरधफुन, तीन अवस्था जा तीनों ते बहुत कुछ निर्भर है। बाणी अनुसार ते मनुख भी तीन नू एक फैसला समझता है। आप कई बार एक्शन देखने हैं ना, बोली होंगी उनके विच दो मिनट मिनट कोई ना बोले तो फिर बोली देने वाला आखदा है एक, ये फिर भी कोई ना होर नवा बोले आखदा दो, दो कहदिया तक हर एक नू अधिकार होंदा है उस बोली तो अगे वध सकदा है, उस बोली नू तोड़ सकदा है जिहड़ी पहला दित्ती हुई है उनू तोड़ सकदा है। पर जदों वो आख देवे ना एक दो तीन, उनका मतलब फैसला हो गया। ये तो सारी रोजाना जिंदगी भी एक एग्जाम्पल है, जदों एक दो तीन कह देवे फैसला हो गया, फिर तीन एक फैसला है। गुरबाणी विच भी तीन लफज नो ही तीन बार एक लफज नो ही दोहराया गया जो फैसला विश्वास दवाण वास्ते फैसला। सुखमणी साहब का पाठ होया उनके विच भी एक पौड़ी है जिंदे विच एक लफज नो तीन बार दोहरा के रखा गया। सत सत प्रभ स्वामी अगे सच 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 सब कीना, उस तो अगे फिर भला 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 तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल 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 तेरी वाणी। तीन बार दोहराया, निर्मल 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 तेरी वाणी। फिर आखिर पवित्र 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 पुरीत, यकीन द्वारा इस शब्द विच भी मैं हैरान होया। गुरु नानक ने एक गल आख के यकीन दवाया, जे अजे भी सिख नूं यकीन ना आवे तो फिर उनकी मर्जी। गुरु आखदा कि जो मैं फैसला दे रहा ना, जो मैं अज तुहानूं दसना कहना चाहना गुरमत अनुसार वो सच जे सत 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 नानक कहया
अपने हिरदे विच देख के संभाल लै सच नूं टिका लै विश्वास कर लै सच ते जिहड़ा गुरु नानक ने अज सच आख्या मैं चाहना इहनूं समझ रही है गुरु नानक ने की सच आख्या ये मैं कुछ अपनी मर्जी अपने ख्याल अखां ते बेशक छड़ दिओ जी जे कोई इनका अर्थ होर हो मैं समझा दियो जी नहीं तो फिर गुरु नानक दे तीन बार आके किए हुए फैसले भी जे असी ना मनीए उनका प्रभाव ना कबूलीए उस फैसले ते अपने जीवन का पंध ना करिए साड़ी अपनी कमी है हम पूछो गुरु नानक को जी तुसी की सच कहा मैं चाहना सब लोग सुन लै जेड़े गुरु नानक दा नाम वरतदे ने असी गुरु नानक दे वलंटियर आ असी गुरु नानक दे सिद्धांत दे प्रचारक आ गुरु नानक का ही सिद्धांत है गुरु नानक का ही तो हुक्म है जिहड़ा मैं तुहाडे सामने रख लिया तुसीं इहदा कोई अर्थ होर है तो मैनूं समझाओ ते जां फिर एवें गुरु नानक का नाम ना वरतो लोगों सिर्फ नाम वरत के गुमराह ना करो गुरु नानक को पुछो जी तुसीं तीन बार सानू यकीन दवाण लिया आख्या सत 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 नानक कहा अपने हिरदे देख संभाले वो भरिया अपने हिरदे विच रख के देख के संभाल लै इनू टिका लै गुरु नानक सच कहता है सच कहता है सच कहता है फैसला बनता है बैठे हुए सिख नूं जिहड़ा गुरु नानक नाम लेवा है गुरु नानक दी गल सुनना ते समझना चाहता है वह जरूर समझ रहा है गुरु कह रहे शब्द शुरू करिए मुझे गुरु नानक ने साथ की किया गुरु कहते हैं बाहर तो है अंतर मन मैला रात को सजग चल रहे मैं उसे मूर्ति लेके चलूंगा एक घर के अंदर कोई घर है एक बाहरला घर है एक अंदरला घर है एक बाहर लगा है एक अंदर लगा है ते मैं की सी बाहर ने तन के घर सफाई ना हो चलता है मैंने भी जब तक लफज याद आ गया साढ़े पिंड भी उदो दो घर होंगे सन कहने सर ये बाहर लगा है वो अंदर लगा है पिंड रहने वाले वीर पता होगा असं कहते हैं सर ये साढ़ा बाहरला घर है बाहरले घर में भी होंगे पशु शब्दावली मिलती है बाहरले घर की होंगे पशु जिते पशु होंगे सन उ गोहा कूड़ा होंगे सफाई तो नहीं ना हो सकती पर एक अंदरला घर से जिते वो आप वसते सन वो घर छोटा होंगे ये भी सारे जानते हैं अंदरला घर उन्ना व्डा नहीं होंगे जिन्ना बाहरला घर खुला व्डा होंगे क्योंकि जिन्ना कोई अमीर आदमी होंगे उन्हें पशु ज्यादा सन
ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਇਸ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ, ਗਲਤੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਵਿਸ਼ਤਾ ਮੇਜ ਲਓ ਅੱਡੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਗੁਣੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤਨ ਮੈਂ ਮਨੂੰ ਮਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਸਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰਾ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰਲਾ ਘਰ ਮੈਲਾ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਧੋਏ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਡਰੈਸਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਦਬੂ ਹੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਪੜੋਤੂ ਦੀ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਾਰੇ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਧੋਏ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪ ਪੁੱਚ ਕੇ ਸਜਾ ਸਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਏ ਠਹੋਰ ਆਪਣੇ ਖੋਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦੋਏ ਠਹੋਰ ਆਪਣੇ ਖੋਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਜੀਵਨ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸਤ 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 ਨਾਨਕ ਕਹਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸ ਮੁਸ ਗੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਮਤ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ,
फैसला नहीं लड़ने देता, कह लें गोविंद भजन की मत है होरा। ओ भरिया गुरु नानक कहता है, वह भरिया गोविंद भजन की जी मत है ना, वह मत ही होर है, वह तेरे को है ही नहीं। फैसला बनी रहे जे मैं कुछ अपने वालों आखा बड़ी खुशी नाल ना मने, गोविंद भजन की मत है होरा, वो मत हो रहे, वो मत बनानी पैंदी है। पिछले दिनों में भी एक शब्द आया सी, अजीज ने किया सी जरूर सुनाओ, जिंदे विच सतगुरु ने आख्या गुरु का शब्द बनावो ए मन, गुरु का दर्शन संचो हर तन, ते अगली लाइन सी उत्तम मत मेरे हृदय तुम आओ। वो मत हो रहे, उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ, ते आमो कामो गुण गोविंदात प्रीतम मोय लागे नाओ, ताकि उस मत नाल मैं गोविंद नु गा सका। उस मत नाल गुरु ने भी होगा लाज भी ये होगा लाखी, कह ले गोविंद भजन की मत है होरा, वो मत हो रहा है, दुनिया नु भुलेखा ना पा, ओ मत हो रहा जिहड़े जिंद विचों भगती गोविंद भजन निकलता है। अगले पासे एक एग्जाम्पल दिती ने, एग्जाम्पल बड़ी सकार सच है, कहने लगे गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरे। वर्मी कहने लगे खुद नु किसी खुड विच सप हो गए, ते कोई मनुख उनके जहर तो जहरीलेपन तो बचन लई सोचे सप नू मार दे ते जाके खुड ते चार डंगा मारे, खुड ते चार डंगा मारे, खुड दा मूंह ढा दे बदल दे, ते आके आखे मैं सप नू मार आया हुण बेफिक्र रहो। गुरु कहिंदे ने भलिया खुड पिटन नाल सप नहीं मरदा, सप की जहर तो उवें अंदर है, जे तू बाहरों शरीर रूपी खुड नू बदल लिया है, जे तू इहनू तब्दील कर लिया अंदरला सप, अंदरली जहर नहीं खत्म होई, अंदर तू उही जहरीला सप है। वर्मी मारी सप ना मरे, किसी खुड नू खत्म करन नाल सप नहीं खत्म होंदा। सत 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 नानक कहया, गुरु नानक कुछ कह सच कह रहे हैं, जा आख दो कि गुरु नानक झूठ कह रहे, ते जे सच कह रहे तो सानू सारियां नू बिरदे विच टिका लेना चाहिए है, ते सानू गुरु नानक ते विश्वास है। कहिंदे वर्मी मारी साफ ना भरिस, अपने शरीर की बनतर बदल लैण नाल कदी कोई मन की बनतर नहीं बदलती, शरीर धो लैण नाल, शरीर सजा लैण नाल, शरीर दे भेख बना लैण नाल कोई मन दा भेख नहीं बदलता। वर्मी मारी साप ना मरे, नाम दा सुनहि दौरा। अगले पासे बड़ा स्पष्ट कीता मैं हैरान होना, कहने लगी माया की किरत छोड़ गवाई, जे दौलत ही कमानी सी इकट्ठी करनी सी, कोई किरत वड्डी वड्डा कारोबार कोई धंधा छेड़ लैण दो, पर तू माया दी किरत जिहड़ी सी छड़ दित्ती, किरत किरत नहीं करनी, कारना नहीं करनी। पर दूजे पासे नुकसान की होया, माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार न जाने, तू भगती दी सार भी ना जान सकिया, पे भला किरत छड के भला भगती दे राह पिया, ते भगती दी सार तां जान जावां भगती की है। बाणी माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लगा, गुरमत नू गुरबाणी नू धर्म ग्रंथां नू तू तर्क नाल खत्म करना चाहना है, पर कहना है मैनू कर कहना है, कहता तर्क ही ज्ञान है, जिंदे कोल ज्ञान है वही तर्क कर सकता है। ते गुरु कहंदे ने वेद शास्त्र को तर्कन लगा, तत योग तत ज्ञान नु पछाणदा नहीं, वेद शास्त्र को तर्कन लगा तत योग ना पछाणे। अगले पासे
सतगुरु ने एक चेतावनी दिखती है ते कह देंगे छोटे दमड़े उदो चांदी के रुपए होंगे सन जे कोई खोटे चम रुपए आखे ये सच है चलाना चाहे किन्नी देर चलाएगा जो किसी सराफ की सियाने की समझदार की चांदी तो सोने परखन वाले की निगाह चला गया उन्हें परख के कह देना है खोटा टपुआ है बिनावट नाल तू दुनिया नु मनुखा नु संसार नु गुमराह कर सकना है पर रब नु नहीं वो ऐसा सराफ है वो ऐसा सुनार है जिंदी निगाह पहनते हैं सच ते झूठ दा नितारा हो जाता है गुरु के सारी गल का फैसला दे दिता कहते मुनियादा जिंदी मुनियाद कोई ना हो पखंड किन्नी देर चलना है बड़ी मुश्किल आई कोई संसार के सामने सिख भी किसे भेख ते खलोता है गुरु भी किसे भेख नू बनाई बैठा है रब भी किसे शरीर नू मन के उनका भेख बनाई बैठा है उनका नतीजा ये निकले है इनू असी ब्राह्मणवाद आखने ब्राह्मण ने की कीता सी शरीर धारी रब बना दे भगवान बना दे ते शरीर धारी तो हमेशा रहिंदा नहीं फिर उनकी नकल पत्थर की बना दे वो तो हमेशा रह गई नहीं पहला शरीरधारी बनाओ हम रब कि आख्या जाए शरीरधारी
क्योंकि शरीर दिया तो जिन्ने संसार दे मनुख रब वालों पैदा होंगे उनके दो अखा ने दो हाथ ने दो पैर ने बड़ा मुश्किल रब किवें आखी किवें साबित करिए रब उन्हें उस संसार नु गुमराह करने लई आखिया साडा रब जिहड़ा है वह अठ बावां वाला है अष्टभुजा अष्टभुजा की है अठ बावां वाला चतुर्भुज चार बावां वाला ताकि रब साबित हो गए दे तारी रब बनाना सी क्योंकि जिन्ना भेख सी वह दे तारी रब विच ही है सी बट हुण तो दुनिया सोचती है कुछ लोग सोचन लग पे पिछले दिनों एक सवाल आया भी अज तक जिन्नियां मूर्तियां तुसी वख वख चतुर्भुज ते अष्टभुज ते कईआं दी मूर्तियां तुसी सजांदे हो उहदे विच बड़े खूबसूरत ते बड़े कीमती कपड़े पशमीने ते तरह तरह दियां सिलकां पा के पाउण कि उदों जदों ये पैदा होए ने उदों ये चीज़ां बनदियां सन फैक्ट्रियां लगियां हुई सन जिथे सिल्क बनते सी ख्याल करो मनुख ने केवल अपनी मर्जी का रब बनाने लई उन्हें चतुर्भुज ना रख लिया उन्हें अष्टभुज ना रख लिया ते फिर ओ हमें एक भी मुश्किल सी भी आज हम मैं तुम्हें दिखावा चतुर्भुज कितने जे अज सानू असी आपसे सवाल करिए भी सानू चतुर्भुज दिखाओ कितने फिर उन्होंने पत्थर की मूर्ति बना ली उस दिन भी अर्ज़ की सी केड़ी अजीब गल है पत्थर घड़ा पत्थर घड़ रहा है उदों तक वह पत्थर है उन्हें तो पैर धरिया होया छैनी हथौड़ी पत्थर पिया कटता है पर जिस वेले घड़ के मंदिर में आ जाता ना उदों भगवान बन जाता है गुरु कहते ने यह है एक पखंड यह है एक कूड़ यह है एक झूठ जेड़ा मनुख लै के अपने आप नू भरमां विच पा के तुरिया जांदा है पर एक ख्याल करी इहो जिहा पखंड झूठ बहुत ही देर नहीं चलना दोनों ने कहते कहते झूठ अंदरला कपट बंच पखंड ये जरा सारा निम मुनियादा है भाव मुनियाद वाला नहीं बिंस गया तत् कर अज नहीं कल कल नहीं परसों वो भरया ये पखंड ये झूठ बेबुनियादा है इन्हें खत्म होना है उदो किसी ना किसी मेरे मालिक के बख्शे हुए रूह ने यह सराफ बन के परखना है गुरु कहते हैं शब्द दी एक एक लाइन गुरु नानक दा आख्या होया एक सच है कोई हिरदे विच टिकाए ना टिकाए पर गुरु कहंदे दी मैं तैनू सच आखणिया इस सच नू हिरदे विच ठां दे ताकि तू इस पखंड तो इस धोखे तो बच सके गुरु कहंदे सच सत सत नानक Yeah.
सत सत नानक कहया सत 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 नानक कहया सत 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 नानक कहया गुरु नानक विश्वास दो होता है मैं सत कहना मैं समझना जे गुरु नानक दे सिख अखवान वाला ते गुरु नानक दा प्रचारक अखवान वाला अज गुरु नानक दी इस गल ते ही विश्वास कर लै तां ना ओ पखंड कर सकदा ना ओ पखंड दे गल दे विच आ सकदा है। उन्नू पता होवे कि मन नू बदलना है मन नू खुद नू नहीं मन नू बदलना है। रात में ये लफ्ज़ सुन के जिन्नी देर मन नहीं बदलता उन्नी देर सतगुरु ने बाणी भी आख दिता सूचे ना किए पढ़ने सूचे ना किए बहन जी पिंडा धोए सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए जिन्नी गुरबाणी जिन्ने धर्म शास्त्र जिन्ने भी ज्ञान काश कदे कोई गुरबाणी उत्ते विश्वास करदा होवे अज कवितावां दा सहारा लैके झूठियां गल्लां दा सहारा लैके दुनिया नूं गुमराह कीता जाए जे गुरबाणी दे सहारे कोई सच्चाई नूं कौम दे सामने रखे तां दुनिया दा सुधार हो सकदा है। गुरु ने इसे लई कह दिता कहन लगे जे तू गुरबाणी नूं मन लै सिर्फ ये ना आखे मैं गुरु नानक दा सिख हाँ उनकी सिक्ख्या हिरदे विच धारण कर लगे उनकी सिक्ख्या जीवन का हिस्सा बनाए फैसला गुरु नानक दा ये कहना भी साढ़े लिए एक संघ की गल है सिर चुकाने वाली गल है गुरु नानक नू सानू समझाने वाली एक गल तीन बार आखनी पएगी यकीन दवा ले मैं तेन तीन बार आखना वा मतलब सानू एक बार गुरु नानक दे आखे ते यकीन नहीं आ रहा। गुरु नानक एक बार आखे साढ़े जीवन का हिस्सा बन जाए इन्होंने शब्दों नाल खिमादा जा चिका फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।